साल तो
पहचान, अपना शरीर में मास्क किया गया। अरे सब धीरे धीरे सब समझ जाएगी। समझ आज तू छिछिना जी का हे काय घर में ही ठोक डाला। अरे ओ बाप ना गुस्सा। और नहीं तो क्या, ये घर है या कूड़ादान? अरे जामुन तेरे ही तो हाथ में इस कूड़ेदान को राज महल बनाना। अरे जिस दिन तेरा छेड़ा उतरेगा मेरा ये बाप इस कूड़ेदान को राज महल बनाएगा। अरे चल हट, किसकी हिम्मत, किसकी हिम्मत जो मेरा छेड़ा उतारे। साले की हड्डी ना तोड़ दू जामुन, बड़े से कैसे बात करते हैं। अरे तू कोलाटी जाति की सबसे बड़ी लड़की है, अगर तू छेड़ा नहीं उतरवाएगी तो तेरा भाई बहनी कहाँ से लाएगा, और तेरी बाकी दो बहनों की शादी कैसे होगी रे? भाई लाएगा वही, शादी करेगा वो, तो उसमें छेड़ा मेरा क्यों उतरे? नियम जामुन नियम। पर कौन लिखा है नियम? राजा, राजा लिखा है नियम। अरे पगली, उस वक्त जब राजा लोग गिर पड़ जाता था तो उनको औरत की जरूरत पड़ती थी, और जब उनका मन भरा था तो बोलता कि जाओ उस सेनापति के पास, जाओ उस पैदे के पास। और अगर ना माने तो? जाबू जाबू। हाँ जाबू, तो मैं जाबू जी आई, दो दिन बाद फिर आऊंगा, और हाँ समझा देना अपनी छोरी को। जाबू ये उड़ा भयानक, तो राजा होता ही राक्षस। यजमान आएगा ना, ये गांव छोड़ के चला जाएगा, चला जाएगा। पर कहां
मुंबई और तुम्हें बर्तन धोएगा, पढ़ाई करेगा और अपने इस समाज के बारे में किताब में लिखेगा और ये लोग पढ़ेगा जानेगा और समझेगा कि क्या नरक में लग गए हम लोग। मुंबई से तुम्हारे लिए रेलगाड़ी लाऊंगा, तुम्हें खूब पसंद है ना? प्यार करने चला जा।